किसान साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में। किसान साथियों, आज हम CCRI नागपुर में आए हैं, जो नींबू के अनुसंधान पर एक बहुत ही जाना माना संस्थान है और जो नींबू वर्गीय पौधों की, न केवल नींबू की बल्कि नींबू वर्गीय पौधे, यहाँ का संतरा बहुत है, माल्टा बहुत फेमस है, उस पर आए हैं। हम यहाँ पर उनके निदेशक महोदय से मिले और उन्होंने हमें, एक वैज्ञानिक हैं श्री अंबादास हुच्चे, ये प्रधान वैज्ञानिक हैं हॉर्टिकल्चर विभाग के, हम इनके पास आए हैं और इनसे जानते हैं कि नींबू की कौन सी प्रजाति होती है, उन प्रजातियों के बारे में हम इनसे चर्चा करते हैं, सवाल जवाब करते हैं। आइए मिलते हैं हुच्चे, अंबादास हुच्चे। नमस्कार सर, मेरा पहला सवाल है कि जो ये CCRI है, नींबू वर्गीय अनुसंधान केंद्र है, इसकी कौन कौन सी वैरायटी है जो इसने डेवलप की है? जो नींबू का जहाँ तक सवाल है, इसके बारे में आप हम बातें कर रहे हैं, तो नींबू में जो, जैसे मैंने पहले बताया कि जो सहे शरबती है, फूले शरबती है और विक्रम है, प्रमालिनी है, NRCC 7, NRCC 8, जो CCRI पहले उसका नाम NRCC था, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस था, अभी वो सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसलिए पहले जो वैरायटीज हमने विकसित की है इसकी, तो उसका नाम है NRCC 7 और NRCC 8। तो ये जो चार वैरायटीज है, खासकर साई शरबती बोला, फुले शरबती बोला और NRCC 7 और NRCC 8 और विक्रम और प्रमालिनी, ये जो हमारे मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ की, परभणी की जो वैरायटीज है, ये भी अच्छी वैरायटीज है। तो ये पांच छह वैरायटीज जो है, इसमें से आप जो भी मिलती है, ये जिसके पौधे मिलते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे हैं। तो सवाल है कि आप जो पौधे करते हैं, जैसे हमारी, और मैं नॉर्दर्न इंडिया से हूँ, सहारनपुर से हूँ, तो वहाँ पर एक बहुत प्रचलित है कोलकाता पत्ती जी। तो मैंने जब गूगल किया, मुझे कोलकाता पत्ती नाम से कोई नींबू की वैरायटी नहीं मिली जी। कैसे बनाते हैं वो भगवान जानता है, वो कटिंग से बनाते हैं या उस गुट्टी से बनाते हैं। सर आप ये बताइए कि यहाँ पर किस प्रकार पौधे तैयार करते हैं, बीज से करते हैं, ग्राफ्टिंग से करते हैं या गुट्टी से करते हैं? हाँ, नींबू में जो अभिवृद्धि होती है वो बीज से ही होती है, और बीज से ही अच्छी इसके जो इसके पौधे हैं अच्छे बनते हैं, क्योंकि नींबू में एक विशेष गुण है कि जो पॉलीएम्ब्रियोनियस जिसे हम बोलते हैं, एक बीज में दो तीन किस्म के पौधे जो है वो आते हैं, तो उसमें जो संकरित पौधा होता है उसको निकालने की जो प्रक्रिया है वो नर्सरी में की जाती है, और जो बचे हुए पौधे होते हैं जो अच्छे बढ़ते हैं तो उनको हम ले लेते हैं, एक समान बढ़ते हैं तो वो हम ले लेते हैं, और उससे जो अभिवृद्धि होती है, उससे जो पौधे बनते हैं वो अच्छे होते हैं, जो मादा वृक्ष जो होता है उसके मुताबिक जो उसकी पैदावार होती है, उसकी गुणवत्ता जो होती है उसके मुताबिक होती है, इसलिए ये बीज से जो पौधे उगाए जाते हैं वो अच्छे माने जाते हैं। रही बात आपने जो गुटी कलम से या और किसी तरीके से ग्राफ्टिंग से क्यों नहीं बनाते हम पौधे, खासकर नींबू के, क्योंकि संतरे और मौसम्बी में तो ये हम उसको बढ़ावा देते हैं ग्राफ्टिंग को, लेकिन नींबू में इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिट्रस में, चाहे वो नींबू हो, संतरा हो, मौसम्बी हो, इसमें जो विषाणु होते हैं, तो विषाणु जो ग्राफ्ट ट्रांसमिसिबल कई बार होते हैं, तो उसको दूर रखने के लिए हम बीजू पौधे जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, बीजों से ये विषाणु जो संक्रमित होते हैं वो नहीं होते, और इसलिए इसकी लॉन्जिविटी जो है बीजू पौधे की अच्छी रहती है। ग्राफ्टिंग में जो होता है उसकी लॉन्जिविटी कम होती है, तो ग्राफ्टिंग में इसलिए हम उसको नहीं करते, तो बीजू अच्छे होते हैं, बीजू पौधे उसको लेने चाहिए। देखिए किसान भाइयों, मैंने जो एक साल के अनुभव से आपको बताया था कि पौधे हमेशा बीजू ही लें, एक अनुसंधान केंद्र में जो हुच्चे साहब ने बताया है, आज इस बात पर एक तरह से मोहर है कि आपको बीजू पौधे ही लेने चाहिए, और अगर आप बीज से पौधे बनाएंगे, मैं ये भी कहता था कि जैसे मैंने शर्मा जी का नाम लिया था जो IRI में,
कि आप बीज से स्वयं बनाएं, लेकिन उनमें भी सब पौधे अच्छे नहीं निकलते हैं। तो यहाँ नर्सरी में पौधे, जो अच्छे पौधे होते हैं उनको ही ये आगे सेल करते हैं और किसानों को देते हैं। और जैसा मेरा अगला सवाल है कि जो आप यहाँ से पौधे देते हैं बीज लगाने के बाद जब तक देते हैं, उस पौधे की कितनी उम्र होती है और उस पर हम जब यहाँ से ले जाकर लगाएंगे पौधा, वो कितने वर्ष बाद फलन देगा, ये सबसे पहला सवाल पूछते हैं। या वो उसका एक साल की करीब उम्र होती है, 12-13 महीने की, और लगाने के बाद आप तीसरे साल के बाद देने, चौथे साल जब शुरू होता है चौथा, तो जो फसल आप ले सकते हैं। और शुरू की फसल जैसे कहना पी, जैसे पर्ण छत्र आपका कैसा है, आपका खाद पानी अगर अच्छा रहा तो शुरू में ही आपको 5 से 10 टन तक की जो पैदावार जो है पहले ही साल में मिल सकती है 1 एकड़ में। उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और अच्छी पैदावार आपको 10 से 20 टन 1 एकड़ में ही मिल सकती है। जैसे 100 किलो या 150 या 200 किलो भी अच्छे जो पर्ण छत्र के जो पौधे पर आपको ये पैदावार मिल सकती है। जैसा आप एक हमारी तरफ बहुत है जो नर्सरी वालों ने चला हुआ कि पौधे को आप हाई डेंसिटी पर लगाइए, और उनका ये कहना है कि जैसे 2x1 मीटर पर लगाएंगे या 2x2 मीटर पर लगाएंगे तो इतने पौधे होंगे, ये पौधा 10 किलो देगा, और वो किसानों को कागज पर ही लखपति बनाना शुरू कर देते हैं। आप अपने अनुभव और इसके आधार पर क्या रिकमेंड करते हैं कि कितनी दूरी पर हमें पौधे लगाने चाहिए? जो ये बात सही है, हमने तजुर्बे किए हुए हैं इस पर कि जैसे आपने कहा कि 2x1 मीटर या 3x1 मीटर, ये सारे तजुर्बे हमने किए हुए हैं। तो अभी आप जो है आपके लिए अच्छा है सहारनपुर ज़िले में और आसपास अगर लगाना है, खासकर आपको जब ज़मीन में पानी जो ऊपर है, अगर हाई वाटर टेबल है, तो उसमें ये मेड पर ऊंचाई पर अगर उसको लगाएंगे ज़मीन की सतह से ऊंचा, जैसे 1 मीटर के आप बेड बनाएंगे, मेड बनाएंगे, 6 मीटर अगर फासला है दो कतारों के बीच, तो वो जो 3 मीटर पर आप बेड बनाएंगे, 1 मीटर ऊंचा होगा वो बेड, तो उस पर ये आपका जो प्रबंधन है पानी का वो अच्छा हो रहेगा। और उसमें 6x3 मीटर पर या 6x4 मीटर पर ये पौधे लगाएंगे तो अच्छा है। 6x4 मीटर पर भी लगा सकते हैं, 6x3 मीटर पर लगाएंगे तो वो आपके पौधे जो है 1 एकड़ में 110 की जगह 120 आ जाएंगे। अगर इसमें 6x4 मीटर पर लगाएंगे तो 160 आ जाएंगे। तो ये दोनों विधि से 6x4 मीटर या 6x3 मीटर पर ही लगाए तो बेहतर है, क्योंकि इंटरकल्चरल ऑपरेशंस और बाकी चीज़ें जो है वो 6 मीटर अगर फासला रखेंगे तो वो अच्छा रहता है। तो किसान भाइयों, जो एक अच्छा है 6x3 मीटर पर आप लगाएं, और इसमें जो है आप इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे, रेज बेड जो है ना दोनों को जो ऊंचाई पर लगाएंगे, रेज बेड रिकमेंड करते हैं डॉक्टर साहब, और उनको दोनों ओर से इस तरह ढलाव हो के बीच में नाली बन जाए, जिससे कि वाटर लेवल जो ऊपर होगा या जो बरसात होगी उसकी वजह से पौधों में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा था, इस बार सितंबर में हम पौधों में ताव नहीं दे सके, काफी भाग में बारिश हुई थी और इस कारण से हस्तबहार मिलने में बहुत परेशानी हुई हमारे को। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और है कि किसान भाई लगा लेते हैं, फिर ये करते हैं कि कोई नाली से सिंचाई करता है, फ्लड इरिगेशन जिसे बोलते हैं, कोई ड्रिप से करते हैं, आप क्या रिकमेंड करते हैं? बिल्कुल, ड्रिप इरिगेशन जो है टपक सिंचाई काफ़ी अच्छी है, इससे पानी की बचत होती है। पानी ज़्यादा भी है आपके पास तो जो पौधे की एक अवस्था होती है, फूल जब आते हैं, पुष्पन जब होती है, तो उसमें उस अवस्था में आप पानी का जो इंटरवल है, अंतराल जो है, वो कई बार 8-10 दिन पानी नहीं दे पाते, कई बार बिजली नहीं होती, लेबर नहीं होती, तो ये इसमें जो है कम पानी है, लेकिन फ्रिक्वेंटली 3-4 दिन में आप पानी उसको दे सकते हैं, डेली दे सकते हैं या 1 दिन छोड़ के दे सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। जहाँ कम पानी है वहाँ के लिए भी अच्छा है, और जहाँ पर्याप्त मात्रा में पानी है वहाँ के लिए भी ड्रिप इरीगेशन अच्छा है। तो ड्रिप इरीगेशन बिल्कुल लेना चाहिए, इससे न केवल पानी की बचत होती है, लेबर की भी बचत होती है, और हमारे जो पौधे होते हैं उसके लिए भी अच्छा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और है कि जो हम पौधा यहाँ से मिलता है
जो एक वर्ष का पौधा है बीजू पौधा, उसका लगभग कितना मूल्य होता है किसानों को, और उसके लिए क्या कैसे खरीदे, किसान कैसे खरीद सकते हैं उसको? ये जो हमारा इसमें इसकी जो सूचना आती है अखबारों में आती है, हमारे जो संस्थान का वेबसाइट है उस पर भी इसकी सूचना आती है कि अमूमन ये 10 से 12 अप्रैल के बीच में ये सूचना आती है। तो उस वक्त आपने 12-13 अप्रैल को अगर स्पीड पोस्ट से केवल ये आपके आवेदन दे दें कि आपकी ज़रूरत इतनी है, 100 पौधे चाहिए या 500 चाहिए या 200 चाहिए, तो आमतौर पर ये होता है कि इसकी मांग बड़ी भारी मात्रा में होती है, इसलिए हम एक किसान को अमूमन 100 या 200 पौधे ही नींबू के देते हैं। कीमत जो है वो कीमत करीब 41 रुपये अब तक थी, उसमें 4-5 रुपये की बढ़ोतरी हो सकती है, 45-46 रुपये का एक पौधा पड़ सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल है, जैसे हम अमरूद में कटिंग करते हैं, क्या हमें इसकी भी कैनोपी बनाने की जरूरत पड़ती है और इसमें भी काट छांट की जरूरत होती है नींबू के पौधे? हाँ, शुरू में जो है आपको एक साइज देने के लिए उसको नीचे से करीब करीब 1 फुट तक कोई फुटाव जो है या शाखा उसको आने नहीं देना है। उसके बाद जो है ऊपर से, क्योंकि नींबू में इतनी समस्या नहीं है, नींबू के जो स्कैफोल्ड ब्रांचेस जिसे बोलते हैं साइड से जो शाखाएं आती है वो आती है, वो फैलता ही है, संतरा या मौसम्बी जैसा वो सीधे नहीं जाता, तो इसलिए इसमें इतनी ज़रूरत नहीं। लेकिन आए साल जो है, जो पौधा उसमें किसी वजह से कोई रोग आता है या कीड़ा आता है, उससे कोई टहनी सूखती है, तो उसकी जो प्रूनिंग है, छटाई है, आए साल करनी होती है। तो किसान भाइयों, ये थे डॉक्टर अम्बेदास होचे जी, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं हॉर्टिकल्चर विभाग के, CCRI इंस्टीट्यूट जो है सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में, और हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और हमारे से पहले खुद डिटेल में बात की, और अब हम आपको नर्सरी लेकर चलेंगे और नर्सरी भी दिखाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जो ट्रैक्टर खड़ा होगा ना।